23 अप्रैल टुडे टॉप हेडलाइंस करंट अफेयर्स एनालाइज योर डेली नॉलेज। आज का सुविचार, निष्फल। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। टुडेज डे, आज का दिन 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक डे, विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस संपूर्ण दुनिया में 23 अप्रैल को लोगों के द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य मनुष्यों के बीच पुस्तक पढ़ना, प्रकाशन और प्रकाशन अधिकारी को पूरी दुनिया के लोगों के बीच बढ़ावा देना है। विश्व पुस्तक दिवस को पहले 23 अप्रैल को ना मनाकर इसे यूनाइटेड किंगडम में मार्च के पहले गुरुवार को मनाया जाता है, लेकिन 23 अप्रैल 1995 में पहली बार यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत की गई। मिगुएल डी सर्वेंट्स नाम के सबसे प्रसिद्ध को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को किया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का प्रश्न है, आंतरिक मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 जून, ऑप्शन डी 11 मार्च। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 अप्रैल। टुडे टॉप 10 हेडलाइंस। हेडलाइंस नंबर 1, मध्य प्रदेश में मंत्रियों को बांटे गए मंत्रालय, किसको मिला कौन सा विभाग? मध्य प्रदेश में मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद मंत्रियों को उनके मंत्रालय बांट दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्यपाल को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन मंत्रालय, कमल पटेल को किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता, सुश्री मीना सिंह मांडवे को आदिम जाति कल्याण। हेडलाइन सेकंड, सरकार ने मंगलवार को घोषणा की वह कोरोना वायरस लक्षणों के प्रसार और वितरण पर नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक टेलीफोन सर्वेक्षण करेगी और लोगों से अच्छे उपाय में भाग लेने का आग्रह करेगी। 1921 की नंबर से उन्हें फोन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, इसी तरह के सर्वेक्षण के बहाने किसी भी अन्य नंबर से कॉल करने वाले से सचेत रहने को कहा है। सर्वेक्षण का संचालन भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा किया जाएगा। हेडलाइंस थर्ड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने बुधवार सुबह रिलायंस जियो में बड़ा निवेश का ऐलान किया। कंपनी जियो में $5.7 बिलियन 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किए। इस तरह फेसबुक रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली। रिलायंस जियो ने एक बयान में कहा, आज हम रिलायंस इंस्टेडी के जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में फेसबुक के $5.7 बिलियन 43,574 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करते हैं। इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी सेल होल्डर बन गई है। हेडलाइंस फोर्थ, रिलायंस जियो ने बुधवार को देश में पहली बार इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल साक्षरता पहल की घोषणा की। फेसबुक के सहयोग से डिजिटल उड़ान पहल के हिस्से के रूप में जियो अपने उपभोक्ताओं के साथ हर शनिवार को जुड़ने के साथ ही उन्हें जियो फोन के फीचर्स, विभिन्न एप्लीकेशन के साथ फेसबुक के उपयोग सहित इंटरनेट सुरक्षा के बारे में भी जानने में मदद करेगा।
हेडलाइंस 5 मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर पुस्तक के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार के विजेता एडम हिगिनबोथम हैं। हेडलाइन 6 सुदर्शनम बाबू को भारतीय अमेरिका के नेशनल साइंस बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव कपिल देव त्रिपाठी नियुक्त किया गया है। हेडलाइन 7 भारत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरों की दर 199 रुपीस प्रतिदिन से बढ़ाकर 220 रुपीस प्रतिदिन की है तथा मेट एवं कारीगर के लिए भी मजदूरी दर को 213 रुपीस से बढ़ाकर 235 रुपीस प्रतिदिन किया गया है तथा कार्य का समय भी प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। हेडलाइंस 8 आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपीस से 2 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ाने की घोषणा की है। हेडलाइंस 9 हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। हेडलाइंस 10 हाल ही में भारत की टीवीएस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का प्रश्न किस कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फेसबुक ऑप्शन बी गूगल ऑप्शन सी व्हाट्सएप ऑप्शन डी टिकटॉक। अगर इसका जवाब आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं कि इसका जवाब कैसा है क्या होगा और ये भी बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल लाइक एंड शेयर एंड कमेंट और ये भी बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा और ये कॉटेज कॉटेज की एक छोटा सा माध्यम है जो आपके घर पे हम सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं और कॉटेज कॉटेज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।